तो मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात है, हम जानेंगे। सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। संवाददाता प्रहलाद सिंह के जरिए लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर का टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्या कुछ स्थिति और कैसे लोग ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं? देखिए जया, आज का जो नया अपडेट आया, ये जो तापमान आप बता रही हैं, कल का है 2.2 डिग्री सेल्सियस, कल ये तापमान था, लेकिन आज सुबह जो तापमान रहा है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, उसके चलते जो तापमान है उसमें इजाफा होगा, तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिला। अब जो नया तापमान आया है आज सुबह का, वो उसमें 2.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। अब जो तापमान है 4.1 डिग्री न्यूनतम तापमान हुआ है, तो उससे थोड़ी सी राहत है और धूप में भी थोड़ी सी तल्खी है, जिससे थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये जैसा शाम ढलती है उसके बाद जो असर होता है उससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी जब धूप में तल्खी आई है तो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसों की बात करें तो तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। तो ये जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा रहा है, उससे उम्मीद है कि एक दो दिन शायद ठंड से और राहत मिल सकती है, क्योंकि दिन जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ का असर हो रहा है वैसे वैसे पारे में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि ठंड बहुत अधिक है और जानलेवा है, क्योंकि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जिस तरह से स्ट्रोक के मरीज बढ़े हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह से ये जो ठंड है जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि कोहरा नहीं है। इसे ग्वालियर चंबल अंचल की भाषा में अगर कहें, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है यहाँ की, इसे सूखी ठंड कहा जाता है। धूप निकलती है और शीतलहर का प्रकोप रहता है, यही वजह है कि जो तापमान में अंतर दिन में अलग और रात में अलग, तो ये सीधे तौर पर जानलेवा साबित होता उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, और युवाओं के लिए भी खास तौर पर जो बिना अपने कान को ढके हुए शाम के वक्त और सुबह के वक्त निकलते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो डॉक्टरों की भी यही एडवाइस है कि आप 10 बजे से पहले ना निकलें, और बहुत आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें और खानपान पर विशेष ध्यान रखें। रात को बहुत अधिक तला भुना ना खाएं। तो ये जो मौसम है सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। ओपीडी के आंकड़े तो यही कहते हैं, 5 लोगों की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है। जया, बिल्कुल, तो ये जो कड़ाके की ठंड है वो अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। प्रहलाद, बहुत धन्यवाद आपका, ताज़ा अपडेट आपने हमें दिया, बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। अगर दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है तो उसी के साथ रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, और इसका असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो तेजी से कड़ाके की ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है, लेकिन बचाव भी करना है। क्या कुछ तरीके आप आजमा सकते हैं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शरीर को गर्म कपड़े से ढक के रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखें, इसके साथ ही नियमित रूप से स्किन को मॉइस्चराइज करें, ठंडा पानी पीने से बचें, हल्का गुनगुना पानी ही पिए, साथ ही दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए काफी लाभदायक है। तेज गर्म पानी के स्नान से भी बचना चाहिए, गुनगुने पानी से ही आप स्नान करिए, पौष्टिक भोजन करिए, खाने में पौष्टिक आहार शामिल करिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये कदम नहीं उठाए तो कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। आंखों में मौजूद ब्लड वेसल्स में कसाव आ जाता है, इसके साथ ही क्या कुछ समस्याएं हो सकती है वो आपको बता रहे हैं। आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है तेज ठंड के चलते, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है, और पाचन से जुड़ी समस्याएं होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर ठंड के दिनों में लापरवाही की जाए तो। बुजुर्गों में आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है, दमा की समस्या बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, ये वो समस्याएं हैं जो तेज कड़ाके की ठंड के चलते हो सकती हैं। और अब क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर इस वक्त जारी है, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है और भीड़ उमड़ने लगी है अस्पतालों में। लेकिन कुछ तरीके हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन उपायों को करके, उन तरीकों को करके आप ठंड के इस प्रकोप से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश को कड़ाके की ठंड से फिलहाल नहीं निजात मिलेगी, मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश
का नौगांव मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही देश के मैदानी इलाकों के 9 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर भी शामिल हैं। 14 जिले ऐसे हैं प्रदेश के जहां शीतलहर और अति तीव्र शीतलहर यानी कि सीवियर कोल्ड वेव की हालत रही है। इधर भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी शीतलहर चली। देश के 14 जिले आज भी शीतलहर की चपेट में रहेंगे, ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। दिन के तापमान और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।